हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि चार्ज मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालेंगे एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखो, ट्रिक का पॉइंट क्या है। इन केस ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज गिवन है, माइनस चार्ज गिवन है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का शेप आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैंने ट्रिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक, जब आपको सेम एटम पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज गिवन है, एटम एक ही टाइप का हो, जैसे I3-, तो एटम आयोडीन ही है और उस पर माइनस है, राइट। तो अगर सेम एटम होंगे तो इन डैट केस आइदर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, आपको चार्ज किस पे देना है, सेंट्रल एटम पे, राइट। तो वेरी सिंपल हो गया, सेंट्रल एटम पे आपको चार्ज देना है। प्लस चार्ज होगा तो क्या करना है, जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से निकाल देना, वैलेंस शेल वाला, ध्यान रहे। और माइनस चार्ज होगा तो जितना माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, कहाँ, वैलेंस शेल में। तो ये दोनों आपको कहाँ करना है, ध्यान रहे, वैलेंस शेल में, दैट मीन्स लास्ट शेल में ये चीज़ें करनी है। एग्जाम्पल I3- हो गया, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि डिफरेंट एटम हो, तो इन डैट केस आपको क्या करना है, जो नेगेटिव चार्ज अगर होंगे तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे देना है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रहेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। वैसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ देना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ये ट्रिक का पॉइंट है, ध्यान रखना है। नाउ निगेटिव के केस में एक और काम आप कर सकते हो, एक और ट्रिक है कि जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही हाइड्रोजन आप ऐड कर दो उस चार्ज मॉलिक्यूल में, राइट। तो उससे भी आप कर सकते हैं, निगेटिव के केस में यह करना, पॉजिटिव में ऐसा नहीं करना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल CO3-, राइट। तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, क्यों, कार्बन लेस है, ऑक्सीजन मोर है तो ऑक्सीजन पे जाएगा। या फिर इसको ही कैसे कर सकते हैं, दो नेगेटिव है तो इसको क्या कर लो, H2CO3, पहले इसका ड्रॉ कर लो फिर हाइड्रोजन बाद में हटा देना, तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे SO4-2, अगेन सल्फर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये दोनों माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा, या फिर इसको H2SO4 कर लो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस में ऐसा आपको नहीं करना है, इसका मैं अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। नाउ एक पॉइंट जो पूरे मॉलिक्यूल में, चाहे वो चार्ज्ड हो या अनचार्ज्ड हो, सब में सेम लगेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है क्या, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट। जब भी आप मॉलिक्यूल का शेप या रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ऑलवेज सराउंडिंग को चेक करना है कि क्या सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। सेंट्रल का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या ऑक्टेट से ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले हैं तो, राइट। तो इसलिए आपको कभी भी जो ध्यान देना हो किस पे, कि सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्योंकि उसका होना ही, और सारे सराउंडिंग एटम का होना ही है। सेंट्रल के केस में एक्सपेंड भी हो सकता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के रूल लग जाएंगे, राइट, कम भी हो सकता है, राइट, और कंप्लीट भी हो सकता है। तो इसलिए सेंट्रल को ना चेक करके आप सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सारे सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। हाइड्रोजन के केस में डिप्लेट चेक करते हैं। तो ये मेरे ट्रिक का पॉइंट है, अब मैं एप्लीकेशन लेके बताता हूँ। नाउ एप्लीकेशन, तो ध्यान से देखो, I3- है, राइट। तो माइनस चार्ज आ गया, सेम टाइप का एटम है, तो आप किसको देंगे, सेंट्रल वाले को। तो सेंट्रल वाले को देंगे तो आयोडीन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, राइट। तो एक माइनस है तो एक और इसको देंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए इस पर आ जाएगा माइनस। दूसरा आयोडीन है और एक आयोडीन इधर, राइट, इस आयोडीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इस आयोडीन के भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट करेंगे, एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। तो आप ध्यान से देख सकते हो, सेंट्रल एटम ने 2 सिग्मा बनाया है, राइट, और लोन पेयर 1, यहाँ ये 2 और यहाँ ये 3, तो 3 लोन पेयर है, 2+3 है, तो शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर, राइट। हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp3d, राइट, क्योंकि 5 हो गए, ये सब आपको बता रखा बॉन्डिंग में। यहीं पे अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मल चार्ज आपको पूछ सकता है। तो ध्यान से देखो, ये मैं जो बोला था कि सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इस आयोडीन का कंप्लीट है, यस, 7 था और एक शेयर किया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ भी देखो 2, 4, 6 और शेयरिंग वाले दोनों काउंट होते हैं तो 8। तो सराउंडिंग का हमने किया है, जो सेंट्रल है उसका ऑक्टेट से ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ एक वर्ड होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मतलब कि हर एटम पे क्या चार्ज है वो आपको बताना है। तो ये देख करके आप बता सकते हो आप
आई पे इस आई पे एक माइनस वन का चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं तो जीरो, इस पे फॉर्मल चार्ज जीरो, इस पे भी फॉर्मल चार्ज जीरो, इस पे माइनस वन। तो ये सब भी कुछ पूछे जा सकते हैं। CO3 2 माइनस डिफरेंट आइटम है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। इसका एक और ट्रिक क्या दिया कि इसमें क्या कर लो, जितना नेगेटिव है उतना हाइड्रोजन, तो H2CO3 आपको मालूम है कार्बन सेंट्रल आइटम, राइट, C डबल बॉन्ड हो, जब भी हाइड्रोजन होंगे ऑक्सीजन होंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3 और ये तो पाई है, 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, तो हाइड्रोजन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएंगे, राइट, सब बता रखा हूँ। नाउ सर हमें तो माइनस का बनाना था, तो इसी को हटाओगे तो इस ऑप्शन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वही हाइड्रोजन को हटा देना है, इस हाइड्रोजन को एक बॉन्ड हटाए, एक नेगेटिव। अगेन फॉर्मल चार्ज पूछेगा, तो इस ऑक्सीजन पे माइनस वन, इस ऑक्सीजन पे माइनस वन, इस कार्बन पे जीरो और इस ऑक्सीजन पे जीरो, राइट। अब ध्यान से देखो तो सारे जो सराउंडिंग है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसलिए वो मैंने ट्रिक के पॉइंट में लिखा था, राइट। तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना भी बहुत ईजी है, स्ट्रक्चर से निकाल लेंगे। जैसे SO4-2, तो अगेन 2 माइनस है तो क्या कर दोगे? H2SO4। सल्फर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक O के साथ H और एक O के साथ H, राइट। चूँकि माइनस टू है मतलब यही दो हाइड्रोजन हटा देना आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे इसके लिए आ जाएंगे नेगेटिव। तो फॉर्मल चार्ज पूछे तो इस पे माइनस वन, इस पे माइनस वन, बाकी सब पे जीरो है, राइट। और ध्यान से देखो सारे सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे अगर इस ऑप्शन का चेक करूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, 2, 4, अब ये शेयरिंग वाले 2, 6 और ये 2, 8, सबका होगा। माइनस वाले का भी गिनना, तो ध्यान से देखो तो इसके पास 6 था, 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, राइट, और एक माइनस की वजह से आ गया, ये ध्यान रखना। तो टोटल 7 हो गए। तो अब ध्यान से देखो तो 2, 4 और ये 6 और ये 2, 8, ऑलवेज सराउंडिंग के ऑक्टेट को कंप्लीट करना, हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट होगा, राइट। जैसे XeF5+ डिफरेंट आइटम है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो प्लस किस पे देना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यू नो पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इस पे प्लस नहीं आएगा, प्लस किस पे आएगा? Xe पे। तो Xe के लास्ट शेप में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है, तो इसलिए उस पर अब आ जाएगा प्लस। 5 फ्लोरीन है, आप अटैच कर दो 5 फ्लोरीन, राइट, जैसे मन करे पहले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है, राइट। तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर से इसका शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल, राइट। ये सब आपको बता रखा हूँ। फॉर्मल चार्ज पूछे तो जेनॉन पे प्लस वन होगा, बाकी सारे फ्लोरीन पे जीरो। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई फॉर्मूला रटना है, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट फिज में NO2+, राइट। तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो कहाँ पे देना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किस पे आएगा वो? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, एक प्लस आने से एक हटा देंगे और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ये इस टाइप से। तो फॉर्मल चार्ज पूछे तो इस पे प्लस वन का, बाकी पे जीरो है, तो ऐसा आप कर सकते हो। वैसे NO3-, राइट। अब NO3- है तो माइनस चार्ज किस पे आएगा? अब इस बात ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ध्यान से देखो अगेन नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो। अब डबल बॉन्ड हो मत बनाना, एक आपको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यू नो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4, और माइनस जो है वो ऑक्सीजन पे आएगा, तो ऑक्सीजन पे 6 थे, एक आया, तो इसलिए इस पे माइनस आएंगे 7, तो इसे कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कम्प्लीट, इसका कम्प्लीट, और ये कोऑर्डिनेट है तो इसका कम्प्लीट। बट ये डोनर है, ये डोनेट क्या है, तो डोनर पे प्लस आता है और एक्सेप्टर पे माइनस, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखना। तो अगर आपको पूछा जाए फॉर्मल चार्ज, तो इस पे तो 0 है, इस पे दिख रहा है -1, इस पे दिख रहा है +1, इस पे दिख रहा है -1, तो ये सब पॉइंट का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्ट्रक्चर से जाना है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ NH4+, तो यू नो NH3 होता है तो आप कैसे ड्रॉ करते? वेरी सिंपल, ऐसे, और इसके पास लोन पेयर रहता, राइट। अब यहाँ पे प्लस है तो किसको मिलेगा वो? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, निकल गया, इसलिए इस पर क्या आ गया? प्लस, राइट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस देना। अब यहाँ पे नाइट्रोजन इसको अपना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, एक के पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए। तो अभी ध्यान से देखना, अभी ये नाइट्रोजन दे रहा है, डोनर है तो इस पर आएगा प्लस, एक्सेप्टर है तो इस पर माइनस, तो ऑलरेडी प्लस था और माइनस, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, इस पर चार्ज जीरो हो जाएगी। तो फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो अब ध्यान से देखो, इस पे जीरो,
इस पे जीरो, इस पे जीरो, नाइट्रोजन पे प्लस वन और इस पे जीरो हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि पहले से प्लस था और एक्सेप्ट किया तो माइनस। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, ऐसे ही आपको जाना है, बिल्कुल कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है, इसके लिए समझाया कि ओजोन के केस में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। ऑक्सीजन आपके पास है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया, राइट। और एक और ऑक्सीजन है तो इसके लास्ट शेल में छः इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में भी छः इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसको कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ऑक्सीजन तीन बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है, तो कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये डोनर है तो इस पर प्लस, ये एक्सेप्टर है तो इस पर माइनस, राइट। वेरी सिंपल है। इसलिए अगर फॉर्मल चार्ज पूछे तो इस ऑक्सीजन पे जीरो हो जाएगा, इस पर दिख रहा है प्लस वन और इस पर दिख रहा है माइनस वन, राइट। तो वेरी सिंपल है, फॉर्मल चार्ज अगर पूछ ले या किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल का आपको शेप बताना हो, स्ट्रक्चर बताना हो, हाइब्रिडाइजेशन बताना हो, कुछ ही बताना हो तो आप बता सकते हैं कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, बस मेरे इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेना। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप सारे पी वाई क्यू प्रॉब्लम को कर सकते हो। थैंक यू।